पदाधिकारी और उपस्थित बहन और भाइयों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने यहां पर अलग अलग महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ से जुड़ी हुई नारी शक्ति के साथ एक संवाद बना करके उनके द्वारा नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए गए हैं या किए जा रहे हैं उनको बहुत नजदीक के साथ जानने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि नारी को सुरक्षा मिले, उन्हें सम्मान मिले और वे अपने पैरों पर खड़ा होकर के स्वावलंबन का जीवन जी सके। गोरखपुर की महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ के माध्यम से इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए आज नारी बंधन जो शक्ति बंधन अभियान है, इस शक्ति बंधन अभियान के अंतर्गत शक्ति सम्मान समारोह में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा सत्र में यानी इस बजट सेशन के पहले जो सेशन चला था उसमें भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई संसद में पहला अधिनियम पारित किया, वह पारित किया था नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसके अंतर्गत देश की विधानसभा देश की संसद और प्रदेशों की विधानसभाओं में परिसीमन के बाद महिलाओं को 33% सीटें उनके लिए आरक्षित होंगी। पहली बार संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है, यानी जो प्रतिनिधित्व अब तक होता नहीं था, बहुत कम नारी संसद में या विधानसभा में पहुंच पाती थी। अब किसी के चाहने और न चाहने से नहीं होगा, बल्कि 33% से अधिक सीटें महिलाओं के लिए वहां आरक्षित रहेंगी, वे वहां पर जाएंगी और वहां पर उस सीट पर केवल वही लड़ भी पाएंगी। मोदी जी ने आने के बाद 2014 के बाद से जो कार्यक्रम प्रारंभ किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, मातृवंदना योजना के माध्यम से, या फिर जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का केंद्र बिंदु बिना भेदभाव के महिलाएं हैं, किसान है, नौजवान है, गरीब है, कैसे उसका लाभ दिया जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण में अकेले गोरखपुर जिले के अंदर 61,556 लोग लाभान्वित हुए हैं। आप सोचो जिस परिवार के पास अपना स्वयं का घर नहीं है क्या बीतती होगी इस परिवार में। और महिलाएं खासतौर से सबसे ज्यादा सफरर कोई होता है, सबसे ज्यादा पीड़ित होता है महिला होती है। मुख्यमंत्री आवास योजना में भी आवंटित जो आवास हैं वह 38,866 आवास अकेले गोरखपुर जिले को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से 3,880 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में स्वीकृत हुए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कुल गठित जो स्वयं सहायता समूहों की संख्या वो 20,847 है और इसमें कुछ महिलाओं की संख्या जो जुड़ी हुई है ये 3,05,000 से अधिक महिलाएं इसके साथ सीधे सीधे जुड़ी हुई है। जो निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त करती हैं गोरखपुर में 63,563, वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित महिलाएं 54,062 और दिव्यांगजन पेंशन से लाभान्वित होने वाली महिलाएं 6,094। पीएम किसान यानी किसान सम्मान निधि में
मुझे बहुत अच्छा लगा कि गोरखपुर के अंदर 1,05,300 से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हैं और उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 2,91,000 से अधिक महिलाएं सीधे सीधे गोरखपुर जिले के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। महिला स्वयंसेवी समूह 56 फेयर प्राइस शॉप यानी राशन कोटे की दुकान का संचालन कर रही हैं और इसमें 438 महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। अब आप देख सकते हैं, यानी पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो अगर वे घर से बाहर नहीं निकलती तो महिला स्वयं सेवी समूह के साथ नहीं जुड़ पाती, समूह नहीं बना पाती, एनजीओ के साथ मिलकर काम नहीं कर पाती, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। आज तो उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिल रहा है, आयुष्मान भारत का भी लाभ मिल रहा है, पीएम स्वामित्व योजना में मालिकाना अधिकार महिलाओं को प्राप्त होना है, इसके अलावा और भी तमाम योजना